द थिंग वॉज, जो हमने उनको गोलियां मारी थी वो हमारे पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं थी, दैट वॉज बाउंटी फ्रॉम ब्लैक बुल्स। तुमको भी पता होगा ब्लैक बुल्स के बारे में, पता नहीं। तो उन्होंने हमें पैसे दिए थे तुम लोगों को मारने के, हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया ठीक है ठीक है। तो हमने वो टास्क कंप्लीट किया था अपना, बिकॉज वी आर मैन ऑफ आर वर्ड्स, और अगर हम किसी को जुबान देते हैं तो भाई हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, मानता हूँ आप जुबान के हाँ पक्के हो। ठीक, आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि आप अपने हाँ ब्रदर्स, अरे तुम आ जाओ ना, फॉलन ब्रदर्स को लाइक तुम आ जाओ यार। याद रखते हो। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने खुद बोला, मेरे भाइयों को गोली लगी है, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, जान जान का नुकसान, बहुत छोटे मोटे बड़े नुकसान बहुत कुछ हुआ है, यू नो दैट। तो अभी ये जो मेरे भाइयों का नुकसान हुआ है, क्या आपको नहीं लगता वो गलत है? यार देखो, आपका जो नुकसान हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, ठीक है? हाथ है ब्लैक बुल्स का, जिन्होंने वो कराया है, जिन्होंने आपकी बाउंटी दी है। अब मुझे नहीं पता आपका उनसे क्या राड़ा है क्या नहीं है, इट्स ऑल योर्स, मेरे को जानना भी नहीं है। आपको एक बात पूछता हूँ, ठीक है, कल को अगर आपकी बाउंटी मिलती है हमको, हम आपके क्लब हाउस पे, आपके क्लब हाउस जो भी आपने बोला डायमंड सिंह, बस हम वहाँ पे गोलीबारी करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे आपके बहुत लोग रहते होंगे, फैमिली वगैरह बहुत कुछ रहती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम गोलीबारी करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो बिना बात करे, ठीक है, जस्ट हमने बोल दिया कि हमको बाउंटी मिली थी, हमने बस कर दिया, क्या ये सही रहेगा? यार देखो, हमारी साइड से तो गलत है, बट तुमको भाई उस चीज़ की कुछ मिल रहा है तो तुम्हारी साइड से वो गलत नहीं होगा, इन देखो, माय कुछ ओपिनियन। बट मिलना और ये है जान पे आना, कि इट्स सी जमीन सी सी आसमान का फर्क है तुमने भाई। अभी बोला कि क्लब हाउस के अंदर करके गोलियां चलेगी वहाँ। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं क्या ये आपका हुड है? यस ब्रो, वी चिल आउट हियर, वी हैंग आउट हियर। हैंग आउट नहीं, हुड पूछा मैंने। हैंग आउट तो ब्रो पूरी सिटी है हमारी हैंग आउट के देख लिए। भाई, तेरा क्लब हाउस है, क्लब हाँ हाउस के सामने वाला रास्ता मेरे को पता है, हाँ वहां पे अगर ये सब करेंगे तुम तो निकले गया गेट के क्या सामने, हमारा जैसे जो कि गेट है, ऐसे तुम निकल रहे हो बाहर, ऐसी हरकतें हो, तुम्हें कैसा लगेगा ये बताओ? यार ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगेगा। सेम चीज हमारे लिए ये है। देखो यार, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, तुमने जो किया चलो तुमने पैसों के लिए किया, वर्ड्स के लिए किया, ठीक है, बट मैंने जब तुम यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो मैंने तुमको कम से कम 3 टाइम्स मैंने कहा था कि ब्रदर बात कर लेते, बात कर लेते, यार अगर देखो मैं समझ रहे वो हो। चीज़ बताता हूँ। तो हमने बात नहीं करने की बात की थी, ठीक है, आई नहीं टोल्ड यू कि आपने मैं इनको बोला छोड़ के था, आता हूँ। हाँ आपने बोला छोड़ के आता, मैंने बोला छोड़ो अभी अभी बात कर लेते, आपने बोला नहीं करना है ये वो करके चले गए। ठीक है, मैं ट्राई किया बहुत, एंड तुम हुड की बात कर रहे हो, निकोला हुड है और मिरर पार्क पूरा हमारे अंडर ही आता है, पूरा मेरा यहाँ पे हमारे सारे बंदे, ऐसा नहीं है कि निकोला पे सिर्फ रहते, ये लोग कोई पीछे रहता है, कोई इधर लेक के पास रहता है, तो सब हमारे बंदे इधर रहते हैं, ठीक है, तो अभी घर के सामने ऐसा देखो कुछ होगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा, राइट? तो वहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया, बट तुम्हारा एक बंदा उतर के सीधा भरना शुरू कर देता हमारा नहीं है। था यार क्या देखो, मैं आप वही चीज क्लियर करने आया था, ठीक है, तुम्हारा जो नहीं, बंदा उतर सॉरी के जिसने गोली स्टार्ट करी वो हमारा बंदा नहीं था। सी द थिंग वॉज, उस टाइम पे हम 4 बंदे थे, ब्लैक बुल्ड हायर अस, सो वी डिमांडेड फॉर अ पर्सन हु कैन हेल्प अस, एंड हमने उसको पैसे देने की भी बात की थी कि हाँ अगर वो हेल्प करेगा तो हम उसको अपने कट में से ही थोड़ा सा देंगे, क्योंकि हम भी उसे एक तरह से अपने 4 बंदों के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक बुल ने कहा ओके वी विल डू, एंड बस ये क्या हम है भाई? तुमसे बात करने यहाँ पे आ गए। लेकिन तो उसके बाद का हमें सीन नहीं पता था। वो बंदा आता है, उसने गोली चलाई तुम पे, ठीक है, हमने उस पर गोली चलाई, उसके बाद जो सीन हुआ है इज दैट कि वो बताता है कि भाई मैं ब्लैक बुल का हूँ और मैं वो यू जो हायर किया गया। तो लाइक पहले तो हमने उसको कहा था कि भाई तूने गोली क्यों चलाई, बट अब देखो गोली चल गई थी तो दूसरी तरफ वाले लाइक आप लोग आप भी नहीं रुक पाते,
और आपने भी गोली सामने से चला दी थी, बिकॉज ब्लैक बुल साइड से चली तो हमारी साइड से भी एक तरह से चली गई उस पे, और उसके बाद फिर आप लोगों पे। तो मैं आपको यहीं पे रोकना पसंद करूंगा। पहले यार ये है क्या मतलब, ये हायरिंग एंड ऑल, अगर आपके पास बंदा नहीं है तो आप चार लोग आइए, बट जिन्होंने आपको माउंटी दी उन्हीं को आप हायर कर रहे हो या वो लोग हायर कर रहे हैं? पैसे दे के कर ले भाई, फ्री में तो लिया नहीं। देखो यार सिंपल सी बात है, इसमें फिर तुम्हारी गलती हुई 101%, क्योंकि तुमने उस बंदे को अपने साथ लिया, उसको ये भी नहीं बताया भाई गोली कब चलाना है। वो भी मिड ऑफ द मतलब टॉक उसने हमको भर दिया, ठीक है और वो कौन सी गाड़ी में, हमें कुछ पता ही नहीं। हम दोनों आप एक दूसरे से बात कर लेते और वहाँ पे गोलियां चली। भाई देखो यार सिंपल सी बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम लोग कर क्या रहे हो। आई टेक यू गाइस टू स्टेप्स बैक, ठीक है? यू स्टार्ट की सिचुएशन में आया वो, ठीक है, और उसने स्टार्ट किया। सिचुएशन से पहले चलते हैं, ठीक है? यू सेड यू वांट गुड रिलेशंस विद अस, तो क्या ये आपको आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप जब बाउंटी मिले तो आप हमसे पूछ लो कि ऐसा सा सीन है, क्या करना चाहिए? लाइक एक छोटी सी टॉक कर लेते, कॉल पे ही बात कर लेते। समझो समझो, उस टाइम पे आपने उठा रखा था ना उसको, जिससे बात करके हम समझो जो बाउंटी दे रहा था। अब हम वही करेंगे ना, जो हमारा ज्यादा सगा है हम उसकी हेल्प करेंगे। ऐसे तो कर नहीं सकते किसी रैंडम को जाके पूछते तू मेरा भाई। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने हमने पूछा कि आपको क्या बाउंटी दी आपने और कितने पैसे में, और आपने बोला कि नहीं वो पैसे किसी और चीज़ के बाउंटी के नहीं। भाई हमने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता, वहाँ पे सीनू ने बोला था कि लाइक बाउंटी किस चीज़ की है। मैंने कहा भाई बाउंटी किसी और चीज़ की है, बट मुझे अभी इस बंदे को ले जाने दो इसके ओर तक, उस अभी मेरे को इसको ले जाने दो, ओके? फिर उसके बाद किसी ने आप में से ये वर्ड बोला था कि तुझे पता है तू कहाँ पे खड़ा है। मैंने कहा कहाँ पे? एंड लाइक ये मैंने ही बोला था, लाइक कुछ बोला था नहीं, मैंने बोला तुम मिरर पार्क पे हो तो एटलीस्ट बात जो कर रहे हो या फिर जा रहे हो, जो भी तुम वार्निंग दे रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पे बात कर लो, तुम मिरर पार्क पे खड़े हो। तुमने बोला भाई तुमने कुछ मिरर पार्क की ऐसी की तैसी करके तुम चले गए, ठीक है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं बोला है। नहीं मतलब तुमने हम भी अपने बात किया भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मिरर पार्क की ऐसी तैसी, बस ये था कि तुमने बोला था कि तुम मिरर पार्क पे खड़ा है, मैंने बोला था हाँ तो, और इतने में गोलियां चल गई थी। ठीक है, तो मेरा ये है कि भाई हमारी तरफ से जो हमने स्टार्ट वहाँ पे हुआ वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक पैसों के ऊपर चीज़ थी जो हमें कंप्लीट करनी थी, और बाउंटी ही हमारी ये थी कि तुम लोगों को मारना है। और मैंने वहाँ पे बोला था कि बाउंटी इस बंदे को ले जाने की नहीं, मेरी किसी और चीज़ की दी गई है और वो थी तुम्हें मारने की। हाँ तो सुनो सुनो, जैसा तुम बोल रहे हो तुम्हें पैसे मिले, तुमने बाउंटी की, ठीक है, तुमने अपने वर्ड्स पे जो भी तुम्हारा वो है तुम्हारे तुम्हारे इस चक्कर में हमारे तो रिसोर्सेज गए ना यार। तो यार ये वो भी तो समझो, एक बात बताओ ना। नहीं नहीं एक बात बताओ, तुम लोगों ने किसी और को बोला है कि हमें मारे यार? क्या है ठीक है, सीधा मैं ये नहीं है कि भाई गन ले लिया चलो भाई माजो हो गए खत्म बाउंटिंग चली। पता नहीं है तुम्हें क्या है ना, चीजें क्लियर कर सकते थे पहले, बात कर सकते थे, तुमने वो नहीं सोचा। अभी तुम बाउंटी ले लिए एक्सेप्ट करके, अब तुम आ रहे हो तुम्हें रिलेशन बनाने। Does it make any sense? Relation आपको तभी बनानी चाहिए थी कि आपको बात करके आना चाहिए था। एक मिनट, और अपना बॉबी जो है उसको बोला भी था इवन कि पैसे डबल करने को रेडी है। क्या था? किसको बोला था? हमारे बंदे में से किसी को बोला था? हाँ तुमको ही बोला था, मैं दो बार पैसे डबल दूंगा। मैं बात कर लेते पहले भाई। देख मैं झूठी बोलूंगा बट मैंने ये लाइन नहीं सुनी पैसे डबल, वरना मैं उसी टाइम पे सोचता। बट तुमने बोला, रिप्लाई दिया पैसों की बात नहीं है कुछ और बात है, ऐसा रिप्लाई दिया। पैसों की बात प्लस जो वो बंदा था ना जिसको आप लोगों ने उठा रखा था, वो मेरे छोटे भाई जैसा है। यार ये हो क्या रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। अरे यार भाई कुछ भी रुको, सिंपल क्लियर कर रहे हैं, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारी तरफ से पोक हुआ था, ठीक है? इसने हमारी भाई मेरे, हाँ क्योंकि इसने आके बोला था
कि मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ करने नहीं आया, मैं बस लेके जा रहा हूँ, हुड पे छोड़ दूंगा। तुम्हारी साइड से लोग हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे कि हम चल रहे पीछे पीछे हुड तक आ रहे हैं, बोल दूंगा ब्लैक होल से हुड तक आ रहे हैं, हमने गोली चलाई। आर्थर क्लियर कर, आर्थर तू भी वैसे ही बोल रहा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि तीन बार बोला इसने कि भाई मत करो मत करो, फिर वहाँ पर बात हुई, वहाँ पे उसकी तरफ से गोली चली थी। मैं भाई बोल रहा हूँ सुन, बाउंटी लेने का एक तरीका मेरे से नहीं हो रहा, समझा रहा हूँ भाई, हमने तरीके से ही ली, हमने आके मारा, तुम ये बताओ। सबके अपने तरीके हैं, हमारा जो तरीका था हमने उसी से। हाँ, तो ये तरीका हमें पसंद नहीं आया, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो भाई सिंपली बोलेंगे हमारी कोई गलती नहीं, अब तुम देख लो, क्योंकि भाई तुम्हारे साइड से हमने जिसकी तरफ से गोली चली थी। देखो मेरा हो गया आज क्लियर कर देता हूं। नहीं नहीं, पहले भाई जो तुम बोल रहे हो वो लीडर को, लीडर कोई है पहले भाई, नाम बता के बोला करो और आगे आके बात करो भाई, पीछे से ना करे भाई। भाई आवाज नहीं आती। हां आ जा भाई, आगे आ जा। मतलब तुम क्या रहे, हमने पोक किया। हां वही कह रहे हैं, हम बंदा लेके जा रहे थे। कौन, किसको? कजामा को और अंकित को लेके जा रहे थे हम, समझ रहे हो लेकिन हमने गोली चलाई थी, इतना बता दो। आके हम बंदा उठा रहे थे, नहीं उठा रहे थे बताओ, सिर्फ उठा के जा नहीं रहे थे, इतना बता दो। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है? मेरा रूफी लेविस नाम है। देखो रूफी भाई, आप आपकी फैमिली के, आपके लॉस्ट ब्रदर्स के बारे में मैं गाली दूंगा, ठीक है? आप मेरे को उठा के लेके जाओगे, ठीक है? ठीक है, और कोई दूसरा बंदा आके बस पैसे देगा तो आप छोड़ दोगे क्या? वही तो बात है यार, पैसों के लिए नहीं, आके गाली भी तो दे ऊपर रखोगे क्या? ये बंदा आके बोल रहा है भाई बाद में उठा लेना हुड से, अभी हमने पैसे लेंगे तो बोला किनसे और इनको हुड पे छोड़ देंगे, इतनी सी बात वहाँ पे गए। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी तरफ से बिल्कुल भाई, ये तो पोकिंग ही नहीं है। और फिर जब गोली चल गई तुम बिल्कुल हमारा जो तरीका है वो मुझे तो पसंद नहीं आया, हमारे किसी बंदे को पसंद नहीं आया, ठीक है? मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ, तुमको लग रही है हमारी गलती है, बट हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है? तुम्हारी बाउंटी का पता नहीं क्या ही सीन है, तुम कैसे आ जाते हो? सिंपल सा है, जो तुमने हमसे सामान लिए थे वो दे दो और सिंपल सा एक सॉरी बोल दो। हमने एक भी सामान नहीं लिया आपसे, लिया, लिया। अगर हमने लिया होता हम दे देते वापस आए, क्योंकि हमारी बाउंटी सिर्फ तुम्हें मारने की थी, तुम्हारा सामान वगैरह। हां तो वही कह रहा हूं, चलो ठीक है सामान ले लिया, बड़ा मारा गया है। हां जो पीडी में गया है वो भी तुम्हारे वजह से गया है ना, तो भाई तुम शहर में गोली चलाओगे तो पीडी आएगी ना भाई, तू थोड़ा ब्रेक। क्या क्या बोला ये? मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि आप लोग जो बोलते हो यहाँ पे कि भाई तुम निकोला पे आओगे फलाना ढिमकाना, तो यार तुम्हें भी पता है कि हमारा भी जो क्लब हाउस है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है? तो भाई हमारा भी ये एक तरह से पार्ट ऑफ अ भाई एरिया है। पहली बात आप यहाँ पे आओ ठीक है, बट यहाँ पे आगे अगर हमको बोलोगे कि भाई कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, मैं वो बात कर ही नहीं रहा, उसका एक एंड तुमको बता रहा हूँ मैं। पर ये बोला ही हमारे रिसोर्सेज गए हैं, हमको रिसोर्सेज दे दो और सॉरी बोल के चले जाओ यार, सब खत्म कर। देख यार रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे, बाकी अगर कुछ है तो बता भाई। रिसोर्सेज गए, रिसोर्सेज तो चाहिए मुझे। अरे अरे रिसोर्सेज में से 5 गन दे दो बस, हो गया। हम तो गरीब, उसके अलावा मैं कुछ भाई, अगर है क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है भाई, तरीका भाई तरीका क्या है? मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, मनी फॉर्म में बता दो। तुम सबसे हमें चाहिए एक बड़ा वाला सॉरी एक चीज, दूसरी चीज चाहिए सामान जो गया है, बात खत्म। भाई सामान तो तुम्हारी गलती की वजह से गया है ना, तुमने बोला निकोला हमारा भाई, गोली चली उनकी साइड से, तुम्हें जले जाना चाहिए था ना, तू गोली चलाई कॉल करके भाई। एक सेकंड भाई हमको, एक सेकंड मैं तुम चाहते क्या भाई, कब से तो बता रहे हैं, दो बार बता। गन का नहीं हो पाएगा, तुम और कोई डिमांड रख रहे हो सेकंड वाली तो बताओ, पहली डिमांड सॉरी वाली हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर दूसरी डिमांड कुछ और रख रहे हो तो बताओ। कोई डिमांड दूसरी है नहीं, ये दो डिमांड है, वही तो गया है ना भाई। यार इसमें पीडी भी आई है यहाँ पे,
सॉरी वाला नहीं भाई, रिसोर्सेज पीछे मुझे मेरे रिसोर्सेज गए हैं, मतलब मैं मजा बिना रिसोर्सेज के हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पाएंगे। एक मिनट में सॉरी कर दे क्या, यही पे बोल रहे हो रिलेशन क्या करते कुछ वैसे एक रिसोर्सेज की बात है तो लैम्बो वाले बंदे यार देख मैं तुझे एक चीज बताता हूं, पहली बात जो रिलेशन की बात रही वो ये थी कि मेरी तुमसे पहले आज तक कभी बात नहीं हुई और वो सामने वाला बंदा जो बाउंटी दे रहा है मैं उसको भाई समझ रहे हो उसके साथ ही रहता हूं। अचानक से तुम बाउंटी ले लिया, अब अचानक से तुम मेरे रिलेशन की याद कैसे आ गई? मैं वैसे बोल रहा भाई अगर तुमको अच्छे रखने हैं हमारे साथ तो मैं बस एक ऑफर दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम रखो। पहले तुमको सोचना चाहिए था। एक और चीज दे रहा हूँ 2.5 लाख। हाँ सॉरी के साथ 2.5 लाख। सॉरी के साथ 2.5 लाख या तो गन्स, या तो गन्स सॉरी बोल देंगे रिसोर्सेज भाई। सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा तुमको भाई, सॉरी तो हम ऐसे भी बोल लेंगे। देखो 2.5 लाख की तो हमने बाउंटी नहीं ली थी देखो भाई वो तुम्हारी गलती, तुमने जाने ही नहीं सामने कौन है, वो ब्लैक बुल्स होगी भाई, हम भी तो ब्लैक फैमिली है यार। जिन्होंने तुम्हें बाउंटी दी कल सॉरी बोल के गए, वो तुम्हें जानना चाहिए था, वो जितना पैसा देते ना तुम्हें वो सॉरी बोल देते, वो भी नहीं सोचा ना सॉर्टेड यार, वो सॉरी बोल के गए हम भी बोल देते। बता चुके हैं बार बार, सुन भाई सुन 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 मेरे पे बोला हाँ रिसोर्सेस नहीं ना तो पैसे दे के जा, 2.5 लाख बोल रहे ठीक है बात अभी खत्म होगी, वरना भाई अब मेरा दिमाग चढ़ रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, तो भाई क्या चढ़ रहा है दिमाग में ब्रदर? हाँ वो बताऊंगा मैं क्या चढ़ रहा है, अभी बस बताओ, बताओ। ये बताओ 2.5 लाख होगा या वो भी नहीं होगा? नहीं यार ठीक है भाई फाइनल कॉल है ना, ये देख लो तुम्हारा हुडी है ना, यहाँ पे गोली तो चलती नहीं होगी आई गेस। पहली बात तो तुम लोग है ना यहाँ पे क्या बोल रहे थे भाई, पहले तो भाई पैसे लिए, फिर बोलते हो वर्ड्स लिए, फिर बोलते हो भाई ये मेरा भाई, पहले डिसाइड कर लो क्या है भाई। भाई अगर तुम्हारा भाई जैसा है तो उस रूल्स में रहो भाई। नहीं मेरे को इतना बता दे यार क्या नाम है, बॉबी नाम है तुम्हारा? यस। हाँ तो मैं कह रहा एक बात बताओ, मैं स्क्रिप्ट लिख के आऊंगा जो यहाँ पे तुम्हें पढ़ूंगा भाई, जो नहीं, जो नहीं, मेरे को वही, उस टाइम भाई, नहीं अच्छे से बात करो भाई, सही से बात करो, खुद ही कंफ्यूज हो। क्या बोला मैंने तुम्हें, क्या बोला कि भाई पहली चीज मैंने उससे बाउंटी ली, दूसरी चीज बात रही तुम्हारे और उसके रिलेशन में तो वो मेरा छोटा भाई लगता है, तुम मेरे उस टाइम पे कुछ नहीं लगते थे ठीक है भाई, फर्क नहीं पड़ता। तूने यहाँ पे गोली चली, सुन तूने यहाँ पे गोली चलाई, मैंने तेरे को मना भी किया, मैंने तेरे ऊपर पहले नहीं चलाई, अब वो उसका बंदा हो तेरे साथ था, बस मैं नहीं केयर करता ठीक है, तेरे को समझाना चाहिए उसको कि भाई गोली नहीं चलाना था, अगर ऐसा ही था गलती से चल भी गई तो वहां से निकल जाता भाई। भाई निकल जाते तो जब हम तो उसको ही मार रहे थे, और भाई तेरा बंदा पीछे से क्या कमेंट मार रहा है, मार पाओगे ये मार पाओगे नहीं, तुझे क्या लगता कि हम लोग पूरा दिन गोलियां चलाते रहते? हमने एक बोला भाई, तुम्हारा एक बंदा कमेंट मार के गया भाई ठीक है, पीछे कहां से पे? अभी पीछे कोई था तुम्हारा एक ऐसे धीरे से कमेंट मारा, ये आई थिंक ये वाला फ्रेम नहीं करना होता यार, हमें नहीं सुनाई दे रहा यार, ठीक है चल वो कमेंट, ठीक है चल कमेंट भूल जाओ, हमको सिर्फ 2.5 लाख दे दो, सॉरी भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, 2.5 लाख दे दो, हमारा भाई गन रिकवर हो जाएंगे, हम खरीद लेंगे मार्केट खत्म। भाई हमारी तरफ से यह है कि हम सॉरी बोल देंगे, अपने रिलेशन साफ रखेंगे, मेरे तो रखे एक दिन का ग्रैंड ही भाई, कितना दे पाओगे पैसे वो बता, बस डिमांड पूरी कर दो, रिलेशन ही रिलेशन है भाई, वही ना वो आप ऐसे कहोगे हल्के मिलेंगे फिर बात। भाई अगर रिलेशन की बात होती तुम पहले सोचते बाउंटी लेने से पहले ठीक है, अभी मैं अभी रिलेशन नहीं सोचूंगा, मुझे अपना रिसोर्सेज रिकवर करना है वो बताओ बस। ठीक है हर्ष बैठ जा चलते हैं, चल ठीक है ब्रदर, फिर क्या बोल रहे हो, फिर क्या कर रहा है, थोड़े टाइम में आके बात करते हैं, हमसे कोई मिलने आ रहा है, थोड़े टाइम में कौन मिलने आ रहा है, ये ऐसे करके जा रहे हो क्या तुम, रुक रुक एक्सक्यूज, थोड़ा इंपॉर्टेंट इंसान मिल रहा है, एक टाइम एक टाइम ले लो, भाई ये क्या बकचोदी है भाई, भाई बता तो दिया हम नहीं दे रहे सॉरी बोल नहीं बुलवाना हो तो बुलवा ले, चलो भाई भाई हां चलो हट साइड आ जा, 10 मिनट है भाई, भाई क्या है ये भाई।